जांजगीर जिला के सक्ती रियासत के पांचवे राजा कुंवर धर्मेंद्र सिंह पर रेप के संगीन आरोप लगे हैं। उनके खिलाफ किसी और नहीं बल्कि उनके एक रिश्तेदार महिला ने यह आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी पुलिस के घर में घुसाया, कपड़े फाड़े, धक्के मुक्की की, इसके बाद रेप किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला सक्ती का है। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वह 9 जनवरी को घर में अकेली थी। इसी दौरान धर्मेंद्र सिंह उसके घर में घुस आया। घर में घुसने के साथ ही वह उसे छेड़छाड़ करने लगा। इसके बाद उसके साथ रेप किया है। महिला ने बताया कि उसने धर्मेंद्र को रोकने की कोशिश की, मगर वह नाकाम रही, बल्कि धक्का मुक्की करने के साथ ही उसने रेप को अंजाम दिया, जिस वजह से महिला के हाथ की चूड़ियां भी टूटी है। अंजाम देने के बाद में वह वहां से भाग गए। महिला का कहना है कि घटना के बाद उसने इस बात की जानकारी अपने भाई को दी थी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर धर्मेंद्र के खिलाफ धारा 450, 354, 377 के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में एसपी अभिषेक पल्लव कहना है कि बारीकी से इस मामले की जांच की जा रही है। साक्ष्य जमा होने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। धर्मेंद्र सक्ती रियासत के पूर्व राजा सुरेंद्र बहादुर के दत्तक पुत्र हैं। सुरेंद्र ने बचपन में ही गोद लिए थे, जिसके बाद से वह पीली महल में सुरेंद्र के साथ ही रहता है। रविंद्र बहादुर ने 19 अक्टूबर 2021 को धर्मेंद्र सिंह का बकायदा राज्य से भी कराया था। हालांकि सुरेंद्र की पत्नी राणी रीता सिंह ने धर्मेंद्र को बेटा माने से इनकार करते हुए राज्य अभिषेक पर आपत्ति भी जताई थी। इसे लेकर कोर्ट में याचिका भी दायर हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य अभिषेक पर रोक भी लगाई थी। धर्मेंद्र सुरेंद्र के पूर्व बावर्ची धनेश्वर सिरार का बेटा है। धनेश्वर की कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।